नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम हिंदी बाल भारती में घटक 10 दिव्यांग इस पद्य का अध्ययन करेंगे। इस पद्य के कवि है संजय भारद्वाज जी। जन्म 30 नवंबर 1965 पुणे महाराष्ट्र। रचनाएं यों ही, मैं नहीं लिखता कविता, चेहरे, कविता संग्रह, एक भिखारन की मौत, नाटक, परिचय। हिंदी प्रचार प्रसार में विशेष अभिरुचि, रंगमंच से जुड़ाव, प्रखर लेखक एवं वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने दृष्टि दिव्यांगों की अशक्ति शक्ति को निरूपित करते हुए समाज में समदृष्टि अपनाने का अपेक्षा की है। आँखें जिन्होंने देखे नहीं, आँखें जिन्होंने देखे नहीं, कभी उजाले कैसे बुनती होंगी आकृतियाँ, भवन झोपड़ी सड़क पूत पार, बादल बारिश छुलाक, पेड़ घास धरती या आकाश की, रंग शब्द से कौन से चित्र बनते होंगी, मन के दृष्टि पटल पर भूकंप से कैसा विनाश चित्राता होगा, बाढ़ की परिभाषा क्या होगी, इंजेक्शन लगने से पहले भय से आंखें मुंदने का विकल्प क्या होगा, आवाज को घटना में बदलने का पैमाना क्या होगा, कुछ भी हो इतनी निश्चित है ये आंखें बुन लेती है अद्वैत भाव, समरस हो जाती है प्रकृति के साथ, काश हो पाती वे आँखें भी अद्वैत और समरस, जो देखती तो है उजाले पर बूनती रहती है अंधेरे, पर बूनती रहती है अंधेरे। पद्य पाठ परिचय। प्रस्तुत पद्य पाठ में कवि ने उन दृष्टिहीन दिव्यांगों की विशेषता विवरण किया है जिन्होंने कभी आकृतियां नहीं देखी, रंग नहीं देखा। ये दिव्यांग भवनों, भूकंपों, बाढ़ों का कौन सा चित्र अपने मन में बनाते होंगे, किसी घटना से होने वाली आवाज से वे कैसे उस घटना का अनुमान करते होंगे। कवि ऐसा मानता है कि दिव्यांगों की आंखें घटना का एक रूप निश्चित रूप से अपने मानस पर बनाती है। कवि चाहता है कि दिव्यांगों की आंखें भी वे सब देख पाती जो दृष्टि वाले देखते हैं।
कवि दृष्टिहीन दिव्यांगों की चर्चा करते हुए कहता है कि जिन आंखों ने कभी उजाले नहीं देखे वे अपनी दृष्टि पटल पर विभिन्न घटनाओं की कैसी आकृतियां बनाती होंगी। कवि के अनुसार ये दिव्यांग भूकंप, झोपड़ी, सड़क, फुटपाथ, बादल, बारिश, चूल्हा, आग, पेड़, घास तथा धरती और आकाश की कैसी आकृति अपनी आंखों के दृष्टि पटल पर बनाते होंगे। कवि सोचता है कि भूकंप के आने पर ये दिव्यांग भूकंप का कौन सा भयावह चित्र अपने दृष्टि पटल पर बनाते होंगे। बाढ़ शब्द की क्या परिभाषा उनके मन में होती होंगी। इंजेक्शन लगने से पहले भय के कारण आंखें मुनने का विकल्प उनके पास क्या होगा। आवाज को सुनकर वे उस घटना का कौन सा चित्र अपनी आंखों में बनाते होंगे। कुछ भी हो, दिव्यांगों की आंखें प्रकृति के साथ अद्वैत भाव स्थापित कर लेती है। कवि को इस बात का अफसोस है कि दृष्टि वाले लोग प्रकृति के साथ समरस और अद्वैत नहीं हो पाते। वे आंखें षड्यंत्र रचने का काम करती है। दिव्यांग की आंखें अंधकारमय जीवन में भी अपने मन की आंखों से उजाला देखती है। इस प्रकार प्रस्तुत कविता में कवि ने दृष्टि दिव्यांगों की अशक्ति शक्ति को निरूपित करते हुए समाज में समदृष्टि अपनाने की अपेक्षा की है। शब्दार्थ दिव्यांग, अपंग, इंजेक्शन, सुई, चित्रना, रूप लेना, बनना, भूकंप, बुड़ोल, जलजला, अद्वैत, एकाकार, अपनापन। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।